नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत बचाओ समिति ने भागलपुर में निकाली जन समर्थन यात्रा। राष्ट्रहित के लिए सीएए और एनआरसी को बताया सही। उमड़ा लोगों का जन सैलाब। महारैली के दौरान सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। सीटीएसपी और डीएसपी के साथ 27 मजिस्ट्रेट थे तैनात। भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नववर्ष पर खपाने के लिए लाए गए भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। गिरजाघरों में क्रिसमस को लेकर सारी तैयारी हुई पूरी। बुधवार को मनाया जाएगा मैरी क्रिसमस। और सामाजिक एकता दिवस के रूप में मनाई गई सीमांत गांधी की जयंती। अब समाचार विस्तार से। भारत बचाओ समिति के तत्वाधान में मंगलवार को भागलपुर के घंटाघर चौक से सीएए और एनआरसी के समर्थन में महारैली का आयोजन किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से विशाल प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के पक्ष में नारेबाजी की। हाथ में तिरंगा झंडा और बैनर तख्ती लेकर पहले युवाओं ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। और नए कानून को राष्ट्रहित में बतलाया। इसके पूर्व लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ प्रदर्शन करते हुए सीएए और एनआरसी का समर्थन किया। रैली में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और अखिल भारत हिंदू महासभा के हजारों कार्यकर्ता सबसे पहले भागलपुर के शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में जमा हुए, जिसके बाद संयोजक हरविंद नारायण भारती के नेतृत्व में रैली भगत सिंह चौक, खलीफा बाग चौक, कोतवाली चौक, स्टेशन चौक होते हुए शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरी। इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम और देश हित के नारे लगाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के फैसले का लोगों ने स्वागत किया और नागरिकता संशोधन कानून को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार शरणार्थियों के लिए आशा की किरण बताया। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के पटेल बाबू रोड में और भागलपुर में एनआरसी और सीएए के समर्थन में महारैली निकाली गई है। रैली में हजारों की संख्या में युवा शामिल है और एनआरसी और सीएए का समर्थन कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि जो एनआरसी देश में लागू किया जा रहा है और जो सीएए कानून पारित हो चुका है वह राष्ट्र के हित में है, संविधान के हित में है। युवा जो है तो मोदी सरकार के पक्ष में नारे लगा रहे हैं और युवाओं का कहना है कि ये जो मोदी सरकार जो ये कानून लाई है वो किसी नागरिक का अधिकार का हनन नहीं करती है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से युवा ढोल नगाड़े के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं। वहीं अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। खुद सिटी डीएसपी राजबंश सिंह और दंडाधिकारी जो है तो पूरे रूट की निगरानी कर रहे हैं, मुस्तैद हैं और चारों तरफ सुरक्षा की चौक चौबंद व्यवस्था देखी जा सकती है। सैयद इजामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। नागरिकता संशोधन कानून पर भारत बचाओ समिति ने भागलपुर में जन समर्थन यात्रा निकाली। जन समर्थन यात्रा में हजारों की संख्या में महिला एवं पुरुष शामिल हुए और सीएए के पक्ष में लोगों से एकजुट होने की अपील की। जन समर्थन यात्रा के दौरान भागलपुर नगर निगम की पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर, भाजपा नेता अरिजीत शाश्वत चौबे, अश्वनी जोशी मोंटी, करण शर्मा, मनीष दास, लीना सिन्हा और अतुल कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो जो संशोधन किया गया है वो पार्लियामेंट द्वारा किया गया है, ठीक है, उसके दोनों सदनों ने किया है और राष्ट्रपति महोदय ने किया है, तो वो कानून बन गया। कानून बनने के बाद जो विरोध करते हैं वो या तो देशद्रोही होंगे जो कानून का विरोध करते हैं, तो सीएए का विरोध पूरी तरह से वैसा विरोध है जो कि देश को तोड़ने वाला है, हमारी एकात्मता को तोड़ने वाला है और इसमें कहीं से भी किसी भी भारतीय समाज को कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला। मैं एक बात कहना चाहती हूँ देश की जनता से कि जब कोई भी चीज़ों को पहले समझे परखे उसके बाद किसी का पक्ष या विपक्ष लें। जहाँ तक सीएए की बात है तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में किसी भी हमारे माइनॉरिटीज भाई को देश से निकाला नहीं जा रहा है, बल्कि यहाँ पर वैसे नागरिकों को जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं और वो किसी न किसी प्रकार से धार्मिक कटुता का शिकार हो रहे हैं, उनको यहाँ पे नागरिकता देने की बात हो रही है। आज जो है नागरिक संशोधन बिल
और एनआरसी के समर्थन में देशभक्तों का जनसैलाब जिस तरह से सड़कों पर उतरा है, और अमित शाह के समर्थन में भागलपुर ही नहीं पूरे देश की जनता उनके समर्थन में निकली है, बिहार भारत बचाओ समिति के अरविंद नारायण जी के नेतृत्व में आज विद्यार्थी परिषद और तमाम अनुसंगिक संगठनों के साथ आज हमारी ये देख रहे हैं कि आप देशभक्तों का जनसैलाब किस तरह सड़कों पर उतरा है, देश के सम्मान में देश की अस्मिता को बचाने के लिए। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में आयोजित ये समर्थन मार्च भारत बचाओ समिति के साथ मिलकर हम लोग भागलपुर में शांति का संदेश देने उतरे हैं। हम लोग CAA के समर्थन में हैं और हम लोग कहीं भी जो हिंसा बीते दिनों हुआ, जो राजद के लोगों द्वारा किया गया, हम लोग उसके कड़े रूप में निंदा करते हैं। आज की रैली हमारी समर्थन में है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो पारित किया गया है सदन में, पार्लियामेंट में, ये तीन देश जो अलग हुए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ पर हमारे जो भी अल्पसंख्यक भाई हैं और जो धर्म के आधार पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्होंने शरण ली है, हमारे यहाँ शरणार्थी के रूप में 2014 से पहले जो लोग आए हैं उनको शरण देने के लिए, उनको नागरिकता देने के लिए ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया है। आज की रैली का उद्देश्य है नागरिकता संशोधन अधिनियम का समर्थन करना और देश में जो व्यापक रूप से लोगों को बरगला करके जो विरोध कराया जा रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी की क्षति हो रही है, ऐसा नहीं हो इसके बारे में जागरूकता फैलाना। अभी हम लोगों की रैली शुरुआत हो रही है, यहाँ से हम लोग बड़ी संख्या में NRC और CAA के संबंध में रैली निकालने जा रहे हैं। जिस तरह पूरे भारतवर्ष को गुमराह करने का कोशिश विपक्षियों के द्वारा किया जा रहा है, ऐसे ये जो कानून अधिनियम बनने का जा रहा है ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा हितकर है और देश में ये लागू होने से बहुत अच्छी पहल होगी देश का और इसका हम लोग पूर्ण समर्थन करते हैं। भागलपुर में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में मंगलवार को विशाल रैली निकाली गई। रैली को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह चौकस नजर आया। सभी चिन्हित चौक चौराहों पर सुबह से ही दंडाधिकारी के साथ पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। वहीं पिछले दिनों नाथनगर में हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आया। वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती के निर्देश पर CTSP सुशांत कुमार सरोज नाथनगर थाना में दलबल के साथ मुस्तैद दिखे। इधर घंटाघर चौक, भगत सिंह चौक, खलीपाबाग चौक, स्टेशन चौक, पटल बाबू रोड समेत कई स्थानों पर संबंधित थाना क्षेत्र के थाना अध्यक्ष दलबल के साथ तैनात दिखे। रैली के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो इसको लेकर कुछ चौक चौराहों पर यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया था। वहीं सदर SDO आशीष नारायण ने बताया कि रैली में विधि व्यवस्था बनी रहे इसको लेकर 27 मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई थी। इधर CTDSP राजवंत सिंह स्वयं सड़क पर युवाओं को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की हिदायत देते नजर आए। DSP ने कहा कि रैली को लेकर सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई है और दंगा नियंत्रण वाहन के साथ पर्याप्त संख्या में फोर्स मौजूद है। इधर रैली में शामिल लोगों पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी की भी पैनी नजर थी। लगातार ये 3-4 दिन से समर्थन और ये रैली चल रही विरोध में, आज समर्थन का है, तो 3-4 दिन से लगातार मुकम्मल तैयारी है। हम लोग भरपूर कोशिश किए हैं और कर भी रहे हैं कि जो भी रैली या निकले जुलूस शांतिपूर्ण निकले, कहीं से कोई उपद्रव ना हो। हमने बात भी कर लिया है उनके आयोजक से, उनसे अनुरोध भी किया है और स्पष्ट कह भी दिया है शांतिपूर्ण रहेगा, स्वागत है। यदि आप हल्का भी हिंसा हाथ में लेते हैं, कानून को तोड़ते हैं, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो निर्धारित रूट है सभी पर पर्याप्त मात्रा में दंडाधिकारी और पुलिस बल तैनात किए गए हैं और हम खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और आशा है कि पीसफुल समाप्त हो। नागरिकता संशोधन अधिनियम और NRC को लेकर देश भर में बहस तेज हो गई है। भाजपा जहां इसे राष्ट्रहित में बता रही है तो वहीं महागठबंधन नए कानून का कड़ा विरोध कर रही है। CAA और NRC पर भागलपुर में भाजपा नेता अरिजीत 724 से बात की सिल्क TV संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। आइए हम आपको दिखाते हैं भाजपा नेता अरिजीत 724 ने नागरिकता संशोधन कानून पर क्या कुछ कहा। CAA को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है, वही देश भर में कई संगठन के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कई इसका विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ आज भागलपुर में समर्थन यात्रा निकाली जा रही है, रैली निकाली जा रही है, इसको लेकर हम बात करेंगे भाजपा नेता अरिजीत 724 जी से कि वो CAA को किस नज़रिए से देखते हैं। सर, आप CAA को कैसे देखते हैं? देखिए, CAA जो है वो अब देश के नागरिकों का अधिकार है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो
जो भी व्यक्ति पिछले 6 वर्ष से भारत में रह रहे हैं, जो सताए हुए लोग हैं, जिनके बहु बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, जिन्हें मारने और काटने का काम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हुआ है, वैसे लोग जो 6 वर्ष से भारत के अंदर रह रहे हैं, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसमें किसी की नागरिकता छीनने की बात तो हो नहीं रही। और महागठबंधन सर इसका विरोध क्यों कर रहा है? महागठबंधन के पास कोई एजेंडा नहीं है ना। अभी वो देख रहा है कि देश एकजुट होकर के, एक देश एक राष्ट्र, भेदभाव मिटा करके काम हो रहा है। और जिस प्रकार से दोनों सदनों में और बाद में महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने CAA को एक संविधान के तहत जगह दिया है, उसका विरोध ये लोग कर रहे हैं। यानी देश की अखंडता के साथ जो है, उनको अच्छा नहीं लगता है कि एक साथ हम लोग चलें, हिंदू मुस्लिम एक साथ चल रहे हैं, उनको परेशानी है। क्योंकि उनका एजेंडा यही है कि कैसे फूट डालो और राज करो। और भारतीय जनता पार्टी सहित जो देश हित में काम करने वाले लोग हैं, उनका एक ही एजेंडा है, राष्ट्र प्रथम, देश पहले, उसके बाद हम। इसलिए इसमें कहीं भी कोई जाति धर्म की बात नहीं है। CAA जो है अमेंडमेंट हो चुका है, और आप अगर देश की संविधान को नहीं मानेंगे तो इस देश में आप देशद्रोही कहलाएंगे। जो इस देश के संविधान को नहीं मानता वो कौन होता है बताइए? देशद्रोही होता है। देशद्रोही होता है। तो जो देशद्रोह का काम कर रहे हैं उनके समर्थन में कोई खड़ा नहीं होगा, पूरा राष्ट्र हमारे साथ है। फिर NRC और CAA को लेकर के क्यों बवाल मचा हुआ देश भर में? मैं तो बता ही रहा हूँ कि ये लोगों को बरगलाने का काम चल रहा है, लोगों को तोड़ने का काम चल रहा है। क्योंकि उनकी गाड़ी नहीं चलेगी ना, बिना जोड़ तोड़ किए हुए वो आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का कड़ा विरोध होना चाहिए, प्रतिरोध होना चाहिए। आज हम लोग CAA के सपोर्ट में भागलपुर में हैं। आपने देखा किस प्रकार से यहाँ राजद के गुंडे तत्व, कांग्रेस के गुंडे तत्व, खुद राजद के अध्यक्ष यहाँ पर, आपने देखा उनको पार्टी ने निकाला, आज वो भी जोर जबरदस्ती के बाद खुलेआम गरीबों के ऊपर मारपीट कर रहे हैं, टेम्पो को तोड़ रहे हैं, ठेला को तोड़ रहे हैं, कितने लोगों को आप देखेंगे कि दुकानों में आग लगा रहे हैं। ये राष्ट्रहित में है क्या? आप अपनी बात भी अगर रखनी है तो आप तरीके से रख सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो देश तोड़ने वाले हैं वो एक तरफ है और देश देख रहा है सब कुछ। और संवैधानिक तरीके से जो गतिविधि हो गई, संविधान ने इसको जगह दे दिया, उसके बाद अगर आप इसे नहीं मानते तो फिर आप क्या मानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ही तो सब कुछ है देश का। से देश के मुसलमान सुरक्षित है या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कैसा आपको लगता है? सुरक्षित है, आप मुसलमानों से जाके पूछिए। NRC का मतलब होता है जो इस देश में बाहर से आए हुए व्यक्ति है, उनको इस देश से बाहर निकालना, ताकि आपके देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है। अगर वो जो भी यहाँ बाहर से आए अगर चले जाएंगे तो यहीं के मुसलमान हिंदू को काम मिलेगा। आज 10 करोड़ से भी ज्यादा घुसपैठिए देश के अंदर है, और घुसपैठिए क्या करते हैं? जितना चोरी का काम, डाका का काम, गलत काम, सब वही करते हैं। उनको सही जगह पहुंचाने की बात हो रही है, इसमें मुसलमान और हिंदू का आ रहा है? देश के जो लोग हैं वो गौरव से इस देश में रहेंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। आज की रैली क्या शांतिपूर्ण वाले लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं, और राष्ट्रभक्ति में कहीं भी हिंसा की जगह नहीं है। हम लोग गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, अहिंसात्मक तरीके से हम लोग अपनी बात को रखेंगे। तो ये थे भाजपा नेता अजीत सासवाल जी, इनका कहना था कि आज जो रैली निकाली जा रही है वो शांतिपूर्ण रैली है, और इस जो CAA है उससे देश के नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। अपने कैमरा पर्सन सुमित कुमार के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क TV, भागलपुर। भागलपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। दरअसल नववर्ष को लेकर शराब कारोबारियों के द्वारा झारखंड से शराब की बड़ी खेप मंगाए जाने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद मंगलवार की अहले सुबह जगदीशपुर थाना अध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी के नेतृत्व में सनहोला मोड़ के समीप सघन वाहन तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान झारखंड की ओर से आ रहे पुआल लदे ट्रैक्टर की तलाशी ली गई, जिसमें से पुआल के अंदर छिपाए गए 48 कार्टून विदेशी शराब को बरामद किया गया। साथ ही पुलिस ने मौके से 3 शराब तस्कर को धर दबोचा। पकड़े गए तीनों तस्कर की पहचान नवगछिया के अलका कुमार, अमित कुमार और विजय कुमार के रूप में हुई है। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि नववर्ष को लेकर तस्करों द्वारा शराब की खेप मंगाई गई थी। क्रिसमस की तैयारी हर्षों उल्लास के साथ शुरू हो गई है। शहर के सभी चर्च को सजाने का काम पूरा कर लिया गया है। कचरी चौक स्थित सेंट बेनेडिक्ट चर्च को ईसाई समुदाय के लोग सजाने में लगे हुए हैं। चर्च में क्रिसमस ट्री एवं सेंटा क्लॉस को बनाने एवं सजाने का काम तेजी से चल रहा है। माना जाता है कि क्रिसमस ट्री का संबंध प्रभु यीशु मसीह के जन्म से है। चर्च के फादर जोसेफ ने बताया कि क्रिसमस को लेकर सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। ईसाई समुदाय के लोगों में क्रिसमस को लेकर खासा उत्साह है। 25 दिसंबर को प्रभु यीशु की याद में क्रिसमस मनाया जाता है।
प्रभु यीशु का जन्मोत्सव है और जब हम लोग प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाते हैं, हम लोग प्रभु यीशु का जो संदेश विश्व के लिए दिए हैं उसको अपने जीवन में लागू करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं और ये संदेश हम लोग दूसरों के जीवन में लागू करने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। प्रभु यीशु का क्रिसमस के लिए हम सबों के लिए संदेश यही है, प्यार और शांति एवं भाईचारा है। और जब तक हम लोग यह संदेश अपने जीवन में अनुवाद नहीं करते हैं तब क्रिसमस मनाने का कोई अर्थ ही नहीं बनता है। भागलपुर बिशनपुर जिच्छो स्थित जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल में मंगलवार को क्रिसमस की पूर्व संध्या और नववर्ष के आगमन पर कई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बॉन फायर से किया गया। इस दौरान बच्चों ने विभिन्न गानों की धुन पर अपने नृत्य और कौशल का परिचय दिया और जीवन में स्वस्थ रहकर पढ़ाई करने और अच्छे नागरिक बनने का संकल्प लिया। वहीं कक्षा नर्सरी के बच्चों द्वारा सांता क्लॉज के रूप में पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। बच्चों ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से प्रभु यीशु के शुभागमन का संदेश दिया। बच्चों ने क्रिसमस कार्निवाल जिंगल वेल पर आधारित नृत्य की शानदार प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। वहीं स्कूल प्रबंधक की ओर से सभी बच्चों और शिक्षकों को क्रिसमस की बधाई दी गई और सत्र 2020-21 में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा की गई। भागलपुर गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में मंगलवार को सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान की जयंती सामाजिक एकता दिवस के रूप में मनाई गई। सीमांत गांधी विचार मंच सह खुदाई खिदमतदार समिति की ओर से आयोजित संगोष्ठी में कई वक्ताओं ने अब्दुल गफ्फार खान के व्यक्तित्व और योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता संयोजक मोहम्मद शहवाज ने की। मौके पर प्रोफेसर विजय कुमार, वसुदेव भाई, रिजवान खान, संजय सिंह, मोहम्मद फारूक समेत कई लोगों ने अपने विचार रखे और सीमांत गांधी को देश की एकता का प्रतीक बतलाया। आज 24 दिसंबर उनके जन्मदिन है तो इस अवसर पर हम प्रत्येक वर्ष सामाजिक एकता दिवस मनाते हैं और गांधी शांति प्रतिष्ठान भी हमको समर्थन करती है हर तरह से। तो ऐसी स्थिति में हम जो सो इनका जो योगदान रहा है पूरे भारतवर्ष के लिए, आज दो भाग में तीन भाग में बट गया भारतवर्ष, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, लेकिन पहले तो सब एक था। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी कीमत पे देश को का बंटवारा नहीं चाहते। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, सीबीएसई कॉरिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, जीछो बसंतपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। शानदार बैंक्वेट हॉल में भव्य शादी का आनंद लीजिए अब अपने शहर भागलपुर में। शहर के हृदय स्थल तिलकामांझी चौक पर स्थित मान्यवर बैंक्वेट हॉल अब आपकी सेवा में सदैव तत्पर। 23,000 वर्ग फीट में फैला मान्यवर बैंक्वेट हर तरह की आधुनिक साज सज्जा एवं सेंट्रली एयर कंडीशन के साथ शादी, रिसेप्शन, पार्टी एवं अनेक आयोजनों में 4 चांद लगाने को तैयार। शानदार वेन्यू एवं लाजवाब गेस्ट हाउस बिहार झारखंड का इकलौता स्मार्ट बैंक्वेट हॉल आपके शहर भागलपुर में अब आपके लिए। मान्यवर बैंक्वेट हॉल, खुशियां बांटें अपनों के साथ।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में महागठबंधन की सरकार बन रही है। झारखंड में मिली बड़ी और अहम जीत के बाद मंगलवार को कांग्रेस के नगर विधायक अजीत शर्मा के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए विधायक ने बताया कि झारखंड में जनता का भाजपा से मोह भंग हो चुका है। महागठबंधन की जीत इस बात का सबूत है। साथ ही उन्होंने एनआरसी और सीए को देश तोड़ने वाला कानून बतलाया एवं मोदी सरकार से इसे वापस लेने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार महंगाई, बेरोजगारी एवं शिक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय जनता को परेशान करने का काम कर रही है। बिल्कुल देश को बांटने का, संविधान को तोड़ने का अधिकार हम भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को नहीं दे सकते। ये जनता का हक है, इसलिए हम लोग लड़ते रहेंगे। पूरी जनता साथ है, पूरा जनता विद्रोह में है। ऐसा नहीं सिर्फ हम विद्रोह कर रहे हैं, गलत काम हो रहा है उनका। बिल्कुल जनता भी बहुत तकलीफ में है और उनका खिलाफ कर रही है और हम लोग को साथ मिल रहा है। भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र में ट्रेन पकड़ने स्टेशन जा रहे व्यक्ति का सामान छीनकर भाग रहे चोर को स्थानीय लोगों ने मौके पर दबोच लिया। इसके बाद पकड़े गए चोर की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल मंगलवार की सुबह महिला अपने बेटे के साथ ऑटो से भागलपुर रेलवे स्टेशन जा रही थी। इसी दौरान चोर ने मौका पाते ही ऑटो से महिला का सामान उड़ा लिया, जिसके बाद महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तभी स्थानीय लोगों ने चोर को पकड़ लिया। वहीं ललमटिया पुलिस ने पिटाई से घायल हुए चोर को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया है। सामान उतार लिया था, बड़ा वाला बैग उतारे थे, फिर उतार दो उतार दे गिर गया। फिर मैं उससे पूछने लगा, बोला सामान मैंने ले लिया। फिर वो आगे ये सामान उतार के मेरा गिर गया, वो सामान मेरा उतार के ले लिया। फिर वो बड़ा वाला बैग उतार रहा है, उतार दे उतार दे गिर गया। दारू पीते मैं भले मारा है। एनआरसी और सीएए के समर्थन में मंगलवार को एबीवीपी के बैनर तले नवगछिया रेलवे स्टेशन परिसर से विशाल समर्थन जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। समर्थन जुलूस रेलवे स्टेशन परिसर से निकलकर पूरा नगर भ्रमण करते हुए वापस स्टेशन पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एनआरसी और सीएए को राष्ट्रहित में बताते हुए मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने सरकार के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूरा इलाका भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से गूंजता रहा। वहीं जुलूस के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जो देश के युवा हैं वो भी हमारे साथ जुड़े और ये सीएए के जो भ्रांतियां देश में फैलाई जा रही है उसके विरोध उसका विरोध करें और ये सीएए के बारे में लोगों को घर घर जाके और अपने आसपास के लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं उसके बारे में बताएं घर घर जाके। जन अधिकार युवा शक्ति की ओर से जन अधिकार पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष पप्पू यादव की 52वीं वर्षगांठ युवा परिषद के उपाध्यक्ष जयप्रकाश यादव के आवास पर हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। वहीं कार्यकर्ताओं ने केक काटा और एक दूसरे को केक एवं मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। साथ ही युवा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव ने राष्ट्र अध्यक्ष पप्पू यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की। मौके पर युवा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव, युवा शक्ति जिला अध्यक्ष रवि प्रकाश, उपाध्यक्ष जयप्रकाश यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज जन अधिकार युवा परिषद, युवा शक्ति, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन पप्पू यादव जी का 52वां जन्मदिन के शुभ अवसर पर जयप्रकाश यादव, जो जन अधिकार युवा परिषद के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनके आवास पर आज हम लोग पूरा उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं और भगवान से कामना करते हैं उनकी आयु लंबा हो, ताकि जो बिहार की स्थिति है उनकी लड़ाई को मजबूती से लड़ सकें और हम लोग उनके साथ हैं। गांधी विचार मंच के बैनर तले मंगलवार को पीरपैंती से किसान पद यात्रा निकाली गई। यात्रा का नेतृत्व मंच के अध्यक्ष मनोज यादव ने किया। इस दौरान किसान पद यात्रा में शामिल लोग पीरपैंती से पद यात्रा करते हुए भागलपुर पहुंचे, जहां जिलाधिकारी को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। मंच के अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि कहलगांव अनुमंडल में भ्रष्टाचार चरम पर है, किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और रानी दियारा में कटाव पीड़ितों के लिए अब तक रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगे गांधीवादी तरीके से चरणबद्ध आंदोलन चलाया जाएगा। पदयात्रा में दर्जनों लोग मौजूद थे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारत बचाओ समिति ने भागलपुर में निकाली जन समर्थन यात्रा, राष्ट्रहित के लिए सीएए और एनआरसी को बताया सही, उमड़ा लोगों का जन सैलाब। महारैली के दौरान सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम, सिटी एसपी और डीएसपी के साथ 27 मजिस्ट्रेट थे तैनात।
भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नववर्ष पर खपाने के लिए लाए गए भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। गिरजाघरों में क्रिसमस को लेकर सारी तैयारी हुई पूरी। बुधवार को मनाया जाएगा मैरी क्रिसमस। और सामाजिक एकता दिवस के रूप में मनाई गई सीमांत गांधी की जयंती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।